नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आप सबका मोहित टेक्निकल साइट पे। आज मैं जो अक्टूबर सेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खासकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट भी थे, साथ में उनके टीएमए से रिलेटेड जो डाउट थे कि उनकी लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना उसकी तरफ से निकल कर आ रही हैं वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर से देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और वीडियो को भी लाइक कर दें। इसमें मैं आपको अक्टूबर सेशन के एग्जाम से रिलेटेड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, एनओएस की तरफ से ये बोल दिया गया था, ये कन्फर्म कर दिया गया था, जो एनओएस के जो अक्टूबर सेशन के एग्ज़ाम्स होंगे वो आपके ऑन टाइम होंगे, मतलब उसमें कोई डिले नहीं होने वाला है। खासकर एनओएस कोशिश कर सकता है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो थोड़े जल्दी ले ले। आपके एग्ज़ाम जो है जल्दी लेने का इससे जो है अच्छा प्रभाव भी एनओएस के ऊपर पड़ेगा कि वो जो है अपना टाइम बचा सकता है, जिससे कि आपके जो एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट है वो भी जल्दी डिक्लेयर होगा। अगर कोई फिर से पैंडेमिक वगैरह या फिर कोविड दोबारा से आता है तो उनको जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जैसे कि आप सबको पता ही है, साथ में आपके जो एग्ज़ाम फीस के बारे में भी आपके नोटिफिकेशन निकला हुआ है, तो जिस भी बच्चे ने अभी तक अपनी एग्ज़ाम फ़ीस नहीं भरी है वो अपनी एग्ज़ाम फ़ीस ज़रूर से भर दे। अक्टूबर सेशन वालों के लिए एग्ज़ाम फ़ीस की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 30 जून, तो 30 जून से पहले पहले जो है अपनी एग्ज़ाम फ़ीस भर दे। 30 जून के बाद जो है आपकी एग्ज़ाम फ़ीस अगर आप भरेंगे आपको जो है लेट पेमेंट लगेगी, अगर आप लेट पेमेंट के साथ भरेंगे तो आपकी जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो ज़्यादा चली जाएगी। तो उससे पहले पहले विदाउट लेट पेमेंट जो है, विदाउट लेट फीस जो है, आप अपनी एग्ज़ाम फ़ीस 30 जून से पहले पहले भर सकते हैं। साथ में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बच्चों का डाउट आ रहा था कि जो काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो उनसे बोल रहे हैं कि जो उनके टीएमए की लास्ट डेट है वो है आपकी 30 जून, तो मैं आपको बता दूं जो आपकी लास्ट डेट जो 30 जून बताई जा रही है वो आपकी 30 जून नहीं है, वो है आपकी 31 जुलाई। ये जो है मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखाने वाला हूँ एनओएस की, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ और साथ में एक नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा दूँ कि नोटिफिकेशन में लिखा क्या हुआ है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जनवरी में रिलीज़ हुआ था और इस नोटिफिकेशन में बताया गया था आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी जो टीएमए है, यहाँ देख सकते हैं टीएमए जो है आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही लिया जाएगा, आपसे जो आपका जो टीएमए है वो ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, जिस भी बच्चे ने अभी तक अपना टीएमए सबमिट नहीं करा है वो अपना टीएमए जो है जल्द से जल्द बना लें और अपना टीएमए जो है ऑनलाइन ही सबमिट कर दें। और ये जो नोटिफिकेशन में आपको पहले ही मैंडेटरी बता दिया था कि आपका जो टीएमए है वो अक्टूबर सेशन वालों को कंपलसरी जो है ऑनलाइन ही देना पड़ेगा, वो ऑफलाइन नहीं देंगे, अगर ऑफलाइन देने जाएंगे तो उनका जो टीएमए है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अपना टीएमए है जो है ध्यान से भरें। आप अपना टीएमए जो है ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं उसके लिए भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं आपके टीएमए की लास्ट डेट, जैसे कि मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले जो है आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है NIOS TMA। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे NIOS TMA आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। तो आप देख सकते हैं पहले ही NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको ट्विटर मार्क्ड असाइनमेंट एंड स्टेटस लिखकर आ जाएगा, यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जो है कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। ये जो नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाया था, ये नोटिफिकेशन की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ था, कैसे लिखा हुआ था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो अप्रैल मई वाले जो एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स देते हैं उनकी टीएमए की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर लिखी गई है, जो कि है 31 जनवरी। अभी यानी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखी गई है कि 31 जनवरी से पहले पहले आपको जो है अपना टीएमए सबमिट करना है। ये जो है अप्रैल मई वाले एग्ज़ाम जो देते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है। अब बात कर लेते हैं जो अक्टूबर सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अक्टूबर सेशन वालों के लिए भी यहाँ पर लिखा गया है कि 31 जुलाई से पहले पहले जो है अपना टीएमए ज़रूर से सबमिट करें। अब जो है मोड आपके लिए ऑनलाइन आ गया है, तो ऑनलाइन जो है आपको 31 जुलाई से पहले पहले सबमिट करना है, कोई आपके लिए 30 जून नहीं है। अभी तक जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि उनको जो है टीएमए बनाना है, तो टीएमए के लिए जो है आपके थोड़ी सी लेट ही लिया जाता है आपसे जो टीएमए है, और टीएमए की डेट जो है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मार्क की जाती है, तो यहाँ से भी आप ज़रूर से जाके देख सकते हैं, अपने आपको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपकी टीएमए की डेट है वो 31 जुलाई है।
तो दोस्तों अपना TMS जो है जल्द से जल्द अपने टाइम पे बना के सबमिट करें, ताकि आपको जो है लेट फीस पेमेंट के साथ अपना जो TMS है वो सबमिट ना करना पड़े। तो दोस्तों NOS की तरफ से और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने बाकी हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।